जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज रीवा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति में 411,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश, 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात तथा 7,853 करोड़ की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी का मंच पर राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मीय स्वागत किया। आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज ही यहां 4,00,000 लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समारोह में आजादी का अमृत महोत्सव के समावेशी विकास विषय के अंतर्गत 9 अभियानों एवं एकम समावेशी विकास वेबसाइट का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 3 नई ट्रेनों रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग अलग हों लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। गांव गरीब का जीवन आसान बनाने, रोजगार का निर्माण करने वाले प्रोजेक्ट के लिए बधाई देता हूं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि PM स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है। मध्य प्रदेश में 50,00,000 से ज्यादा महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 60,00,000 घरों तक पानी पहुंचाने का काम हुआ है। PM किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 90,00,000 किसानों को 18,500 करोड़ रूपए की सम्मान निधि दी गयी है। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने वाला है। प्रदेश के सभी 53,000 गांवों में मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांव में 53,000, सभी गांव में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व है कि 3,25,00,000 एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का मंत्र दिया था। रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दोगुनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले,
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रीवा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा तैयार लघु नाटिका धरती कहे पुकार के का मंचन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दतिया जिले में आयोजित मां पीताम्बरा प्राकट उत्सव एवं दतिया गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम श्री चौहान ने कहा कि काशी में कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल महालोक बन गया, अब मैया की ही ऐसी इच्छा है कि दतिया में भी पीताम्बरा माई महालोक बन जाए। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामलाल स्थित स्मार्ट उद्यान में आंवला, करंज और गुलमोहर के पौधे लगाए।